नौकरी दिलाने के नाम पर एनजीओ करता रहा ठगी, 1500 महिलाओं से लूटे लाखों रुपए। दरअसल बाल विकास बचपन बचाओ परियोजना के तहत सरकारी नौकरी का झांसा देकर पंचायत लेवल से लेकर जिला स्तर तक कई पदों पर नौकरी के लिए 50 की संख्या में पीड़ित महिलाओं ने एनजीओ के 2 महिलाओं को धर दबोचा। उन्होंने बताया कि नौकरी में पोस्ट के अनुसार 5000 से 25000 तक रिश्वत लेते थे, जिससे जिले की 1500 बेरोजगार महिलाएं शिकार हुई। मामला झांसे में आई पीड़ित महिला जिला मुख्यालय एसपी की गुहार लगाने जा रही थी, तभी एनजीओ की 2 महिला सदस्य जिला मुख्यालय पहुंच गई। वहीं पीड़ित महिला पहले से ही जिला मुख्यालय में मौजूद थी, जिसे देखकर एनजीओ की 2 महिला सदस्य भागने लगी। उसे पीड़ित महिलाओं ने धर दबोचा और एसपी के हवाले कर दिया। वहीं पीड़ित महिलाओं का कहना है कि फर्जीवाड़ा के पैसे के लिए गए, हम सबका पैसा वापस किया जाए। वहीं कैमूर एसपी राकेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनजीओ का संचालक 1 माह पहले राजेश कुमार सिंह फर्जीवाड़ा के आरोप में जेल जा चुका है। एनजीओ भभुआ के साथ हेड ऑफिस रॉबर्टगंज जिला सोनभद्र मिर्जापुर यूपी में भी चल रहा था। इस मामले में मोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एनजीओ के 2 सदस्य महिलाओं को कुछ महिलाओं ने पकड़कर मेरे पास लाया। एनजीओ सरकारी नौकरी के नाम पर अवैध वसूली करता था। आगे पता लगाया जा रहा है कि इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, ताकि आगे से कोई भी बेरोजगार महिला इस तरह झांसे का शिकार ना हो। इसे गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम भी जिला प्रभारी। जिला प्रभारी जी हाँ। अच्छा, कितना पैसा मिलता था? 15000 मिलता है। 15000 जी। कितना दिए थे? मैंने घूस कितना दिए थे? हम 5000 दिए थे। 5000 जी। और महिलाओं से कितना पैसा लेती थी आप लोग? सर जी, जैसे जिस पद पे काम उससे पोस्ट था, टीचर का था, ब्लॉक का। टीचर का कितना ब्लॉक का पैसा मिलता था? उन लोग का 3000 मिलता है। कितना घूस दी थी? घूस हम नहीं बता सकते। पैसा कितना दी थी सर जी? अपने से बाल जरूरी है ना, ऐसे बताइए ना। आपको बताने में रेट बताइए, कितना कितना लेती थी आप लोग? नहीं, हम नहीं जानते सर जी। हम नहीं, वो आप स्टाफ हैं, नहीं जानती हैं क्या? नहीं, हम बैठते नहीं थे। आपको क्यों पकड़ लिया आप बताइए सर जी? हम लोग इसमें कार्य करता है, हम लोग उस सर जी जो जेल में गए मिलने आई थी आप लोग जी, उन्हीं से मिले कि हम लोग को अटैच करने वाली थी, मतलब हम लोग को अपने कंप्लेन कर देंगे, ये कर देंगे, वो जेल भिजवा देंगे, उठवा देंगे, ये सब धमकी के लिए हम लोग कंप्लेन करने आए थे सर जी, ऐसे बात है। अच्छा, कितना महिला मैंने आपके संस्था में जिला में कार्यरत है? लगभग होंगे 100-150। लोग बोल रहे 1500, उतना हम नहीं जानते। आपका नाम क्या है? नेहा देवी। कौन संस्था? नेहा देवी। संस्था कौन सा? बाल विकास परियोजना। कहाँ घर है? चैनपुर। कहाँ का संस्था था ये? उत्तर प्रदेश से था। जिला का हेड कौन है? जो राजेश सिंह है। जो ये लोग आरोप लगाए हैं, पैसा हम लोग दिए हैं। तो पैसा आपका क्या कहना है? आपका पक्ष क्या है? हम लोग का ना, हम लोग को समय मिलेगा, हम लोग इन लोग का चुका देंगे। कोशिश करें मिल जाए, हम लोग यही कोशिश में लगे थे सर जी, निकल जाएंगे तो हम लोग उन लोग का पैसा वापस करा देंगे। काम आज क्या क्या हुआ? जैसे आप लोग कैसे हैं, क्या मामला? एप्लीकेशन डालने के लिए आए थे, हम लोग देखे माहौल बहुत गर्म है, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, इसलिए हम लोग जा रहे थे बस, और कुछ नहीं। आप लोग किसके पास डालने आए थे? यहाँ पे सर जी के पास जी। क्या है, क्या एप्लीकेशन, क्या डालना? यही कि हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, हम लोग मोबाइल मंगा दीजिए, रिकॉर्डिंग सुना देते हैं, रिकॉर्डिंग क्या क्या वो लोग भेजे हैं, हम लोग पे धमकी आता था। उसी का शिकायत करने जी जी सर जी, चुका देती है जी सर जी। हम लोग को समय मिलेगा, हम लोग कोशिश करेंगे इन लोग का वापस हो जाए, शांत हो जाए, हम लोग अपने अपने घर। कितना पैसा लगभग लिया गया है? इतना नहीं बता सकते सर जी। कितना क्या क्या अमाउंट लिया गया? क्या लौटाते हैं? जो भी पैसा लिया गया कैसे लौटाएंगे? मतलब जो जिस हिसाब से दिया है 3000-5000 इस यही सब लौटाते हैं। 20000 दिया, 20000 दिया ना? अब उतना हम नहीं जानते सर जी। किसको दिया? आप ही लोग को दिया जाता था ना सर जी? वहाँ पे जो स्टाफ जैसे काम करती थी वैसे मिलता था जी सर जी। हम लोग जी हाँ जी। आपका नाम क्या है? नेहा देवी। क्या हुआ आपके साथ? सर हमारे साथ तो बोल रहे थे राजेश सर कि एनजीओ के तहत है, डीएम से परमिशन भी लिया है, डीएम से परमिशन लेने का लेटर बनवाने का 20-25000 रुपये लगता है। अच्छा। हाँ, यही ब्लॉक कर हम लोग को काम करवाए, उसमें एडजस्ट करें, और इसमें नीतीश कुमार से रजिस्टर ही हुआ है। थी, 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 थी।
तो ये झांसा देके कितना पैसा लिया आपसे? हमारा 20,000 रुपये लिया है। 20,000 किस पद के लिए? बीसी के लिए, ब्लॉक का काम। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर? हाँ, कोऑर्डिनेटर। हाँ, कौन संस्था था? एनजीओ बाल विकास शिक्षा संस्थान। कितना पैसा बोला था महीना देने के लिए? महीना देने के लिए हम लोग का 8,200, किसी को 8,000 देता था, किसी को 8,200। आज क्या हुआ था? आज पकड़े आप लोग? जैसे कि हम लोग आज पकड़े इन लोग से ना, बहुत बार हम लोग पूछे हैं, काम कर रहे थे लेकिन संतुष्ट नहीं थे काम से। हम लोग बहुत प्रयास किए कि काम सही है या गलत है, जो जैसे इसके काम के ऊपर जो ज़्यादा शरारत करने लगता था तो उसको निकाल देता था काम से। आज क्या हुआ? हम लोग आए हैं जैसे कि सर इतना लोग का कोई ब्याज में पैसा लेकर दिया है, तो हम लोग कहाँ से भरपाई करेंगे? आज क्या हुआ ये बताइए ना, आज आप लोग हम लोग आए थे यहाँ पर आवेदन डालने, वहाँ एस पी सर से, तो वो लोग हम लोग का पता करने आए थे कि यहाँ पर आई है कि नहीं आई है, बस दौड़ रही थी वहीं से देख कर। अच्छा, तो भागने लगी तो आपको पकड़ लिए? हाँ, दो चार गो लड़की जाकर पकड़ ली। कोई को महिला पकड़ाई है? दो ठो, वही दोनों हेड है या जो गिरफ्तार हुए हैं, कंचन पांडे एक ठो, नेहा कुमारी और राजेश सिंह गिरफ्तार है। कराने वाले हैं? वो दोनों यूपी के हैं, अपने एड्रेस प्रूफ को अभी नहीं देते हैं किसी को। आपके जैसा कितना महिला और पुरुष इस जिले में फर्जीवाड़ा का शिकार हुए हैं बताइए? हमारे चैनपुर में तो 300-350। जिला की बात करिए ना, जिला में तो 1500-1600 बहुत सारे हैं सर। 1500? हाँ, कितना लोग तो बहुत लोग नहीं आए हैं। आपका नाम क्या है? हमारा प्रतिमा नाम है। कहाँ से हैं? हमारा गाँव मेड़ है। मेड़ चैनपुर? हाँ। सर, ये धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है सर, कुछ महिला जो है आरोप लगा रही है, दो महिला को पकड़ के लाई है, क्या मामला है सर? लगभग 10 से 12 की संख्या में कुछ महिलाएं अभी एक घंटे पहले यहाँ कार्यालय में हमारे आई थी और दो महिलाओं को भी साथ में लाई थी। उनका आरोप है कि बचपन बचाओ परियोजना के अंतर्गत एक एनजीओ काम करता है और उस एनजीओ ने इनको झमेला दिया, झांसा दिया कि आप लोग कुछ पैसे जमा करें और कुछ समय उपरांत आपकी सरकारी नौकरी इस विभाग में लग जाएगी, और इसके बाद में वो एनजीओ अब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसी संदर्भ में ये लोग दो महिलाओं को लेकर आई थी इस आलोक में, और इसी प्रकार के घटनाक्रम में मार्च के माह में मोहनिया थाने में एक कांड ऑलरेडी दर्ज हुआ है जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है, तो उस केस के अनुसंधानक को यहाँ बुलाया गया है कार्यालय और हम देखते हैं कि शायद हम लोगों को अभी तक लग रहा है कि उस केस का लिंक इस मैटर से, तो हम लोग उसमें आगे इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा सर, कितना मतलब बेरोजगार महिला झांसा में आई है, कुछ जानकारी दे रही है क्या? नहीं, ये अभी तो हमारे पास में लगभग 12 महिलाएं हैं, लेकिन इनका कहना है कि कई महिलाओं के साथ में इन्होंने ऐसा फ्रॉड किया है, पर मेरे सामने 12 लोग उपस्थित हैं, उन 12 लोगों ने अपना नाम भी लिख दिया। थैंक यू सर।